शुक्रवार देर रात शाम एक मेडिकल छात्रा ने नागौर के अंदर सुसाइड कर लिया। उस छात्रा के परिजनों द्वारा उस मामले को हत्या बताया जा रहा है। ये मामला नागौर के अंदर तुल पकड़ चुका है और उसके परिजनों द्वारा सड़क पर भी नागौर और बीकानेर हाईवे को भी जाम कर दिया गया है। 3 दिन से काफी धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और कल परिजनों के साथ में हनुमान बेनीवाल भी पहुंच के धरना प्रदर्शन पर और उनके साथ में जुड़े मकराना विधायक रूपाराम भूतिया और गोपालगढ़ विधायक कुकराज गर्ग जैसे कई बड़े लोग जुड़े हुए इस मामले के अंदर और उन परिजनों के साथ में ही धरना प्रदर्शन में जुड़ चुके हैं। सरकार की तरफ से कई बार समझौते का वार्ता भी चल लेकिन हर बार वार्ता विफल होता नजर आ रहा है। कुछ लोग इस मामले के अंदर जातिगत प्रकोप लगा रहे हैं और इसके अंदर उस कॉलेज का जो प्रधानाचार्य है वो इस मामले पर जातिगत प्रकोप भी लगा रहा है और उस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों द्वारा और उस कॉलेज प्रधानाचार्य ने कहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारे को जो करना है वो कर लो। धरना प्रदर्शन में बैठे लोगों का ये कहना है कि कॉलेज का जो प्रधानाचार्य वो अशोक गहलोत की जाति से आता है और अशोक गहलोत उसे बचाने में लगे हुए हैं और हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और सरकार हमारा इम्तिहान ना ले, जब तक हम शांत बैठे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो सरकार के विरुद्ध ही हम सरकार को चूल्हे पर चढ़ा देंगे। और उन्होंने कहा कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए सरकार की तरफ से और ऐसे कोई अन्य मामले ना हो, इसलिए सरकार को उसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये लड़की किसान परिवार से, किसान एक देश का प्रमुख होता है जो पूरे देश को अन्न खिला के उसका जीवन बचाने का काम करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिला तो हम धरती प्रदर्शन को नहीं रोकेंगे और जातिवाद का सहारा लेकर किसी भी अपराधी को बचाने का प्रयास ना करें, क्योंकि धर्म सबके लिए, जाति सबके लिए समान होती है। किसान किसान होता है वो देश का अहम हिस्सा होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी कुछ न्याय ले। और इस बीच सुखदेव सिंह गोगा मेडी की एक पोस्ट भी मिली जिसके अंदर राजस्थान पत्रिका का एक स्क्रीनशॉट है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हनुमान बेनीवाल हर किसी के मामले में दखल अंदाजी ना दे, सरकार को अपना काम करने दे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रानीगांव बॉयज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।